नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। आईएस के लिए लव जिहाद, मैरिन बनी मरियम, निमिषा बनी फतिमा। देश के कई हिस्सों में लव जिहाद जारी है। ताजा मामले में एक ईसाई लड़की मरियम इसका शिकार हुई है। आईएस में शामिल होने के लिए केरल के 21 लोगों में शामिल मरियम और निमिषा की दास्तां कुछ अलग है। मरियम ने जिस लड़के से प्यार कर शादी की थी उसने इस्लाम अपना कर मरियम को भी इसके लिए मजबूर किया और अंत में दोनों आईएस के लिए काम करने लगे। इसी तरह फतिमा बनी निमिषा की भी कहानी है। केरल के कांग्रेस विधायक पीटी थॉमस ने दावा किया कि मरियम इस्लाम के विवादित प्रचारक जाकिर नाइक के विचारों से प्रभावित थी। थॉमस ने जाकिर नाइक के फाउंडेशन पर केरल के युवाओं को बरगलाने का आरोप लगाया, जबकि मरियम के परिवार ने उसके पति यहाँ पर मरियम को जबरन आईएस में शामिल होने का आरोप लगाया। मरियम के पति और मरियम का धर्मांतरण करने वाले मुंबई के कुरैशी नाम के बिजनेसमैन पर केस दर्ज कर लिया गया है। दूसरी ओर फातिमा बनी निमिषा अपने पति के भाई और उसकी पत्नी के साथ विदेश गई थी, लेकिन अब उसका कोई अता पता नहीं है। हालांकि पुलिस की जांच अब भी जारी है। जांच में ही खुलासा होगा कि आखिर सच्चाई क्या है। आपके घोषणा पत्र में गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान, केजरीवाल ने मांजे बर्तन। आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र विवाद के तूल पकड़ने के बाद अमृतसर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। पश्चाताप करने के लिए आज सुबह करीब 4:15 बजे हाथ जोड़ते हुए हरमिंदर साहिब के भीतर दाखिल हुए। अंदर पहुंचने के बाद केजरीवाल ने लंगर हॉल में बर्तन धोए। हालांकि लंगर हॉल में केजरीवाल साफ बर्तन ही दोबारा धोते नजर आए। दरअसल लंगर का समय न होने के चलते वहां साफ बर्तन रखे थे। इस मौके पर केजरीवाल के साथ आशीष खेतान, संजय सिंह, विधायक जनरल सिंह, पंजाब पार्टी के संयोजक सच्चा सिंह समेत कई नेता मौजूद थे। सेवा करने के बाद हरमिंदर साहब से बाहर निकलकर केजरीवाल ने घोषणा पत्र में हुई गलती के लिए माफी मांगी और कहा कि उनसे अनजाने में ये गलती हुई थी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले आशीष खेतान भी गुरु ग्रंथ साहिब की तुलना अपने आप के घोषणा पत्र से कर चुके हैं। अमेरिका के बैटन रूज में गोलीबारी। लुसियाना के बैटन रूज में गोलीबारी में 3 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ईस्ट बैटन रूज के शेरिफ कार्यालय से एक बयान में बताया गया कि एक संदिग्ध मारा गया। कानून प्रवर्तन अधिकारी मानते हैं कि 2 अन्य शायद फरार है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि हमला बेहद कायराना है। ओबामा ने यह भी कहा कि इस तरह के हमले करने वाले किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इस हमले पर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि देश में नेतृत्व की कमी की वजह से कितने अफसरों और आम लोगों को जान गंवानी पड़ेगी। उन्होंने ये भी लिखा कि हम देश में कानून व्यवस्था की मांग करते हैं।